इसलिए इनके आने के बाद जिला में दसवीं घटना है। ये बड़ा निंदनीय विषय है। माननीय श्रीमान विनय तिवारी जी, आपके घटना के उद्भेदन से मामला नहीं है। हत्या हो जाने के बाद उद्भेदन होता हो उसका कोई मतलब नहीं है। अपराधी अपराध कर रहे हैं, किसी प्रकार का भी अपराध, अपराधी के भय नहीं होगा, दहशत नहीं होगा, किसी मामला का निदान हत्या तो नहीं है ना। देखिए, क्षेत्र के लिए यह बहुत ही मर्महक का समय है और मैं स्थानीय प्रशासन से यहाँ मांग करता हूँ कि अपराध पे आप अंकुश नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पे अपराधी पे लगाम हो चुका है, आए दिन हत्याएं हो रही है, सड़क पे लोग कैसे निकलेगा। इसलिए अपराधी को अविलंब गिरफ्तार करें और मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए। सरकार सबकी होती है, ये पुलिस का मामला है। हमको जब लगा कि हमारे आईपीएस जम्बाज अधिकारी विनय तिवारी जी का पोस्टिंग समस्तीपुर हुआ है, तो लगा कि कानून जीरो टॉलरेंस पर काम करेगा, पूर्णतः सुशासन होगा। लेकिन इनके आने के बाद जिला में दसवीं घटना है। ये बड़ा निंदनीय विषय है। माननीय श्रीमान विनय तिवारी जी, आपके घटना के उद्भेदन से मामला नहीं है। हत्या हो जाने के बाद उद्भेदन होता हो उसका कोई मतलब नहीं है। अपराधी अपराध कर रहे हैं, किसी प्रकार का भी अपराध, अपराधी के भय नहीं होगा, दहशत नहीं होगा, किसी मामला का निदान हत्या तो नहीं है ना। ये हत्या निश्चित तौर से प्रशासन की विफलता है। मैं मनोज कुमार सिंह जोधपुरा महोदय की तरफ से प्रशासन की मैं निंदा करता हूँ और खास के आईपीएस हमारे विनय तिवारी जी, आपके आने के बाद जो लगा था कि हमारे समस्तीपुर सुशासन काम करेगा, लेकिन 10वीं 12वीं में हत्या हुई है, अनेक हत्याओं में पेड़ से बांध के लटका दिया गया है। इस सुशासन को चुनौती है। नीतीश कुमार जी को इस मामले पर गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए। कोई भी आईपीएस कोई पदाधिकारी और अपराध पर नियंत्रण नहीं करते हैं, ये विषम परिस्थिति है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। कि भट्टी एक कड़क डीजीपी हैं, कड़क आईपीएस हैं, हमारे बिहार में कानून व्यवस्था कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, उसको अविलंब नियंत्रित किया जाए। विनय तिवारी जो सुशांत केस को देखने मुंबई गए थे, मामला को पूर्णतः चिन्हित किया था, वैसे कुछ जिला में समस्तीपुर भेजा है। बड़ा जिला है, 20 प्रखंडों का जिला है, 4 अनुमंडल है, ऐसे एसपी को भेजा है कि आपके जाने से वहां पर कोई अपराध नहीं होगा, सुशासन बना रहेगा। लेकिन विनय तिवारी जी के आने के बाद आप आते हैं घटनास्थल पर, पीसी करते हैं, घटना का उद्भेदन कर देते हैं, अपराधी पकड़ा जाता है, क्योंकि मेरे पास जो सिस्टम है, मोबाइल का जो सिस्टम है, आधुनिक तकनीक है, उस तरह पकड़ा जाता है। लेकिन अपराधी अपराध कर क्यों देता है, ये गंभीर विषय है। आइए, पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती, क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आए दिन कुछ न कुछ घटना घटती रहती है। सरकार या प्रशासन के द्वारा उद्भेदन तो होता है पर घटना पर रोक नहीं लगता है, इसके लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे क्षेत्र के लिए। क्या मांग करेंगे अपने तरफ से वरीय पदाधिकारी से इस मामले में? वरीय पदाधिकारी से मांग करें कि अविलंब हत्यारों को पकड़ा जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आए दिन क्षेत्र में घटना करने के लिए तो लोग सोचे भी। देखिए, क्षेत्र के लिए यह बहुत ही मर्महक का समय है और मैं स्थानीय प्रशासन से यहाँ मांग करता हूँ कि अपराध पे आप अंकुश नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पे अपराधी पे लगाम हो चुका है, आए दिन हत्याएं हो रही है, सड़क पे लोग कैसे निकलेगा। इसलिए अपराधी को अविलंब गिरफ्तार करें और मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए।